हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मैंने आज बनाया है चिकन मलाई कोफ्ता। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी बनता है। तो इसके लिए मैंने ये बोनलेस चिकन लिया है और इसमें थोड़े से जिंजर और गार्लिक डाल दिए हैं। इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। और ये मैंने ग्रीन चिली डाले हैं और इसको अच्छे से बारीक पीस लिया है। देख सकते हैं आप, ये अच्छे से पीस जाता है। तो इसको मैंने बाउल में निकाल लिया और उसके बाद इसमें टेस्ट और सॉल्ट डाला। ज़्यादा सॉल्ट ना डालें क्योंकि और भी चीज़ों में अभी हमें डालना है। और इसे एक बॉल शेप में बना लें, छोटे छोटे बॉल बनाएं आप, ज़्यादा बड़े ना बनाएं क्योंकि जब ये फ्राई होंगे ना तो इजीली फ्राई हो जाएंगे अंदर तक। फिर मैंने पैन में थोड़ा सा तेल दिया और उसके बाद तो जितने भी बॉल्स मैंने चिकन के तैयार किए थे उसको ऑयल में डाल के और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको अच्छे से अलट पलट के अच्छे से इसको फ्राई किया। जब ये अच्छे से अंदर से पक जाएगा, मीडियम फ्लेम पे अगर आप इसको पकाओगे ना तो ये अंदर तक पक जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अलट पलट के आप अच्छे तरीके से इसको पका लें। अब देख सकते हैं कि इसका धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है और ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब देख सकते हैं एकदम पूरी तरीके से कलर। इस स्टेज पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से मसाले तैयार किए हैं। ये अनियन और जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली और धनिया पत्ती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा मसाले पीसने के बाद मैंने इसमें फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। और आप अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दही भी यूज़ कर सकते हो। और ये मेरा मलाई कोफ्ता का मसाला और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर मिलाकर इन सबको अच्छे से मिक्स किया। फिर ऑयल पैन में डाल दिया, गरम हो गया। तो मैंने इसमें बे लीव्स और थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं। और उसके बाद जो मसाले मैंने बनाए थे ना तो इसमें उठा कर डाल दिए हैं और उसको अच्छे से मिलाया। और टेस्ट टू सॉल्ट मैंने डाला है। और तो फिर इसको ढक के अच्छे से पका लें। जब ढक के पका लिया ना तो अब देख सकते हैं इसके ऑयल अच्छे से इसने छोड़ दिया था। तो फिर मैंने इसमें कोफ्ता सारा डाल दिया और इसको अच्छे से मिला दिया। मिलाने के बाद फिर मैंने इसमें कसूरी मेथी का यूज़ किया है। अब बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी डालने के बाद फिर मैंने इसे ढक के पकाया और उसके बाद 5 मिनट बाद देख सकती है इसका टेक्सचर एकदम चेंज हो गया था और बहुत ही मज़ेदार की खुशबू आ रही थी। तो फिर मैंने इसको सर्व किया। और आप वीडियो में ज़रूर मुझे बताइएगा कि किस तरीके का ये बना है और कैसा बना है। और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो चले गए तो लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और देख सकते हैं मैंने इसको निकाला, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे नान या फिर रोटी और या फिर जीरा राइस के साथ इजीली खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है इसका, आप देख सकते हैं ये। और मैंने इसको नान के साथ सर्व किया था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट लग रहा था। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, एंजॉय इट।